सच और झूठ, ये दोनों एक ऐसे शब्द हैं जिनको जानने में यार किसी से भी गलती हो सकती है, और यार कभी कभी जिस बात को हम नहीं सोच सकते वो बात भी सच होकर निकलती है, कभी कभी यार कानों से सुना हुआ और आंखों से देखा हुआ भी झूठ निकलता है। तो बस आज का ज्ञान खत्म करते हैं। और यार कोई एक ज्ञान नहीं था, इस पर एक मूवी आई थी 2017 में, और आज यार उसी का रिव्यू करने वाले हैं हम, और उसका नाम है थोडियम उथालुम दृक्ष साक्षी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस मूवी का रिव्यू। अब यार पहले बात करें इस मूवी में स्टार कास्ट की, तो उसमें है फहाद फाजिल, सूरज व्यंजन मडू, और इनसे अलग भी कुछ और भी अच्छे अच्छे स्टार थे पूरे मूवी में। बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में, तो यार इसकी स्टोरी एक कपल्स और एक चोर के ऊपर फोकस करती है। एक दिन वो कपल्स यार बस से जा रहे होते हैं कहीं, तभी उसमें जो लेडीज है उनका चैन चोरी हो जाता है, और यार इंजाम जाता है जो उसके पीछे बैठे हुए एक आदमी है कि उसने चोरी किया है। उसके बाद यार केस पुलिस तक जाता है। अब चोर कौन है या उसने ही ने चोरी किया है, इस बात की सच्चाई पुलिस लगा पाती है नहीं लगा पाती है, ये सब जानने के लिए तो आपको मूवी को देखना होगा। अब यार जितना सिंपल आप समझ रहे हो ना मूवी की स्टोरी को, उतना सिंपल नहीं है। बस आपको दिख रहा होगा कि ये छोटा पॉइंट है बस, पर उस पर जिस हिसाब से इन लोगों ने मूवी की स्टोरी को घुमाया है ना, वो लाजवाब है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार कितनी छोटी स्टोरी है, कि इसका स्टोरी पॉइंट तो वीक होगा, पर भाई साहब ये सोच के मत जाना, स्टोरी जितनी छोटी है उतनी तगड़ी है यार इसकी। जैसे यार एक छोटे से पॉइंट पर पूरी मूवी घूमती है ना, और आपको घुमा के रखती है, आप इतना एक्सेप्ट करके मूवी को देखने नहीं जाओगे, पर भाई साहब जितना आपको मूवी घुमाएगी ना, और बहुत सी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल रियल लगेंगी यार, बिल्कुल रियल। और यार एक शब्द में बोलूं तो मूवी की स्टोरी सच में लाजवाब है, नंबर वन स्टोरी है यार इस मूवी की। बात कर लेते हैं अब इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, तो यार मूवी के स्क्रीन प्ले में हर एक सीन के बाद एक नया सस्पेंस है जो आपके दिमाग को घुमाता रहेगा, और हाँ आप बार बार मजबूर होते रहोगे कि चोर कौन है, बार बार आपका दिमाग घूमेगा, और इसी चक्कर में आप थोड़ी देर के लिए भी बोर नहीं होंगे मूवी से। बात करें मूवी के बीजीएम के बारे में, तो मूवी का बीजीएम भी यार मुझे अच्छा लगा, 2017 के हिसाब से यार मूवी का बीजीएम यार A1 है भाई। अब मेन बात मूवी में एक्टिंग, तो फहाद फाजिल ने और सूरज व्यंजन मडू का काम बिल्कुल A1 है, सबसे ज्यादा अच्छा काम फहाद फाजिल का है। और यार इस बंदे की जितनी भी मूवी देखी है मैंने भाई, क्या ही बोलूं, और यार इसमें जितनी एक्ट्रेस हैं और इससे अलग भी जितने को स्टार हैं सभी का काम यार नंबर वन है। बात करें मूवी के रेटिंग के बारे में, तो इसको दूंगा 5 में से 4 स्टार। बात करें मूवी को देखना है नहीं देखना है, तो भाई जाओ, एक नए पॉइंट पर मूवी मिल रही है, 2017 में रिलीज हुई थी, पर यार इस मूवी का लेवल यार इस समय के मूवियों से भी ज्यादा है। आपको एक नए कॉन्सेप्ट पर मूवी मिल रही है, तो जाओ देखो एंजॉय करो, मूवी का लेवल सच में ग्रेट है, तो फिर जाओ देखो एंजॉय करो। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कुछ बोलना हो तो जाकर कमेंट कर दो।